प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली को करेंगे संबोधित। 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट रैली में हो रहे हैं शामिल। झारखंड युद्ध स्मारक में आयोजित मिलिट्री बैंड और मार्शल आर्ट डिस्प्ले में शामिल हुए राज्यपाल, शहीदों के परिजनों से की भेंट। राजभवन में आज होगा एट होम कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जनवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह। और अगले दो दिनों में तापमान में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा, सुबह में कहीं कहीं दिखेगा कोहरा, दिन में आसमान रहेगा साफ। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इधर कार्यक्रम में 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के अनुरूप 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट इस वर्ष की रैली का हिस्सा होंगे। रैली में पीएम सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को पुरस्कृत भी करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वाइब्रेंट गांव के 400 से अधिक सरपंच और देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं भी एनसीसी पीएम रैली में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और क्या खास रहेगा इस बार की प्रधानमंत्री रैली में, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। प्रधानमंत्री रैली के लिए कैडेट बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत जोश है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रोग्राम अच्छा जाएगा, कैडेट्स का मनोबल बहुत ऊंचा है। इस बार क्या खास होने वाला है पीएम रैली में? खास एक हमने मूवी बनाई है और इस बार पीएम रैली का जो हमारा जो मकसद है वो है अमृतकाल की एनसीसी। तो हमारे जितने प्रोग्राम होंगे, कल्चरल इवेंट होगी, मूवी होगी, 24 कंट्री के कंटिजेंट भी इस पीएम रैली के अंदर भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। कितने बैंड इस बार पीएम रैली में निकलेंगे और कितने कंटिजेंट? 5 बैंड है, 3 गर्ल्स बैंड है, मतलब 5 एनसीसी के बैंड हैं इसके अंदर और हमारे हर डायरेक्टरेट का एक कंटिजेंट है जो गार्ड ऑफ ऑनर और रिव्यू के लिए खड़ा रहेगा और उसके बाद जोन वाइज कंटिजेंट और हाउस माउंटेड कंटिजेंट जो है जो कि मार्च करके सलाम। रैली के दौरान क्या सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत किया जाएगा हड़ताल की तरह? बिल्कुल, रैली के दौरान जितने आपके कैडेट्स हैं जो अवार्ड विनर्स हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अमृतकाल के अंदर जो आपके ऑफिसर हैं वो दौड़ के भी आ रहे हैं। हमारी साइकिल रैली शुरू हुई थी कन्याकुमारी और गुवाहाटी से, गर्ल्स साइकिल रैली, और ऐसे ही हमारी होल टाइम लेडी ऑफिसर झांसी से दौड़ करके आई हैं। तो ओवरऑल पूरी तैयारी है, पीएम रैली की तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन मोंटी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 75वें गणतंत्र दिवस पर कल शाम दीपाटोली में झारखंड युद्ध स्मारक में आयोजित मिलिट्री बैंड और मिलिट्री मार्शल आर्ट डिस्प्ले कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद शहीदों के परिजनों से भेंट भी की। इधर आज राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम नेता, विधायक और वरीय अधिकारी शामिल होंगे। मौके पर 5 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। By seeing this, the civilians also participated in this function. We all get Gambhir in our hearts. We understand how difficult for our armed forces to save the borders, how much strain and hard work they are putting in, how much sacrifice they are ready to do. All these things is giving a burning patriotism in the minds of the youngsters. 75वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर बोकारो क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कृति श्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से दर्शकों के जरिए देशभक्ति का संचार किया।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिमडेगा के नगर भवन में कल संध्या रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कई विद्यालयों के प्रतिभागियों ने आकर्षक नृत्य और गीत की प्रस्तुति कर देशभक्ति का संदेश दिया। राज्य सरकार की हृदय चिकित्सा योजना के तहत दो दिवसीय निशुल्क जांच शिविर आज से आयोजित होगा। रिम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में तीसरी बार आयोजित होने वाले इस शिविर में 1400 हृदय रोगियों की जांच की जाएगी। जांच के बाद चयनित मरीजों का गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में संचालित एक निजी अस्पताल में निःशुल्क उपचार और सर्जरी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक दो शिविरों में 827 मरीजों की जांच और 150 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड में सफल संचालन के लिए पाकुड़ में कल झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ न्याय यात्रा को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान न्याय यात्रा के संयोजक सुबोध कांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद थे। दो तारीख से लेकर 6 से 7 दिन लगातार झारखंड में रहेगी और उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आज आए थे कि कहां से वो एंटर करेंगे और कहां पर पहला स्वागत होगा और उसके आगे एक दो दिन में बाकी रूट भी क्लियर हो जाएगा। झारखंड के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से यात्रा निकल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2024 का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। राज्य में भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। रामगढ़ के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे उत्सुकता से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। मैं कुणाल केंद्रीय विद्यालय भिलकुंडा का छात्र हूँ। मुझे प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा चलाए गए कार्यक्रम को देखकर अंदर का भय खत्म हो गया है। मेरा नाम सौरभ कुमार शर्मा, मैं केंद्रीय विद्यालय भिलकुंडा का छात्र हूँ और मैं प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा चलाया गया है उसे देख के मुझे अंदर से मोटिवेशन मिला और एग्जाम की एंग्जाइटी भी थोड़ा सा कम हुआ। मैं तेजस्विनी कुमारी, मैं केंद्रीय विद्यालय भिलकुंडा की छात्रा हूँ और जब मैंने प्रधानमंत्री द्वारा जारी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा तो मुझे जो प्रेरणा मिली मैंने मेरी पढ़ाई में उसे बहुत ज्यादा मदद हुआ है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी मेहनत करूँ और मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो हमें बातें बताई हैं उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी, मैं केंद्रीय विद्यालय भिलकुंडा से हूँ। मुझे परीक्षा की चर्चा से बहुत सारे उनका बहुत कॉन्फिडेंस आया है सबकी बात सुनकर और उससे बहुत मोटिवेशन मिला है मुझे। मेरा नाम जन्नत जारा है। जैसा कि हम सभी बच्चे जानते हैं कि इस दौरान में हमें किसी बड़े की गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो कमी इस परीक्षा के चर्चा के कार्यक्रम के तहत हमें वो कमी पूरी मतलब हमारी कमी पूरी हो गई है। श्री नरेंद्र मोदी सर जो हैं उन्होंने हमें इतना ज्यादा मोटिवेट करा है, हमारे पेरेंट्स को समझाया है कि जो हमें अच्छा लगे, जैसे हमें इच्छा होती है पढ़ाई करने की हम वैसे पढ़ाई करें और हमारे ऊपर का जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है वो हटाया है और हमें पैनिक से बचाया है। जैसा कि आपने सुना मेरे बच्चों से कि इनसे परीक्षा के चर्चा के दौरान बहुत सी बातों में इन पर इनके मन के अंदर का भय जो है वो समाप्त हो गया है, मोटिवेशन है और सबसे बड़ी बात है कि जब अपने गार्जियन या प्राचार्य या इनसे भी बड़े को जब इनको बताते हैं तो बच्चों के अंदर बहुत सारी बातों डर भय और पाने की लगन, किसी चीज़ को पाने की लगन जो होती है इन बच्चों में बहुत बढ़ करके आई है और ये बच्चे मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 29 जनवरी को होने वाला है। इसका स्कूल के विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से उन्हें सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स मिलते हैं। मैं शंभव मिश्रा, कक्षा 9, कैमरन पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना धन्यवाद देना चाहूँगी। पहले परीक्षाएं मेरे डर और विस्मय का कारण होती थी, पर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखकर मेरा ये डर खत्म हो चुका है और अब मैं परीक्षाओं का अच्छे से सामना कर लेती हूँ और मेरे मार्क्स भी अब अच्छे आते हैं। मैं वेदिका रानी, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल से कक्षा 11वीं की छात्रा। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा का जो प्रोग्राम होता है, हम लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि वो आए। उससे हम लोग के जो मन में डर रहता है एग्जाम को लेकर, वो खत्म होता है, हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। अनुष्का कुमारी, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा। प्रधानमंत्री को उनके कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके इस कार्यक्रम ने हम विद्यार्थियों के लिए बहुत सौभाग्यजनक काम किया, जिससे हमें परीक्षा पे होने वाले डर से बहुत राहत मिली है। From Cambrian Public School, I'm from 9th class. I would like to thank our honorable Prime Minister Narendra Modi ji for conducting this awesome program, because it helps us to release our stress about exams and it helps us to score a lot more better than what we actually scored before this program. This year, this is being conducted on 29th of January. I'm eagerly waiting for it. Thank you. I am Ms. Banas from class 8A of Cambrian Public School, Kakia Road, Ranchi. I am very grateful to our Prime Minister Honorable Narendra Modi ji for holding Pariksha Pe Charcha. This has helped me to overcome my fears of the exams and deal with the problem of not being able and concentrate on my studies. कुमार, कैमरन पब्लिक स्कूल से। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम चलाया है, वो कार्यक्रम से हम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। इस कार्यक्रम से हमारे अच्छे मार्क्स, हमारे जो एग्जाम के विषय में डर था, वो खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण 29 जनवरी को होगा। ये कार्यक्रम परीक्षार्थी छात्रों में ऊर्जा भरने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश के 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों से आमने सामने बात करेंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री के परीक्षा पर उत्साहवर्धक विचारों को सुनने के लिए छात्रों में काफी उत्सुकता है। रांची के छात्रों ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा हम सबों में नई ऊर्जा का संचार करता है और उनको सुनने के बाद परीक्षा को लेकर कोई भय या संशय नहीं रह जाता। मैं प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहता था कि पहले मुझे भी परीक्षाओं से बहुत डर लगता था, बट जब से मैंने उनकी बातें सुनी है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, तब से मुझे समझ में आया है कि परीक्षा से डरना उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं इसी बात के लिए प्रधानमंत्री जी को अपना थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से यह सवाल था कि एग्जाम में आए हुए स्ट्रेस को कैसे दूर करें, जिसमें मुझे यह बड़ा अच्छा उत्तर मिला था कि परीक्षा सिर्फ नॉलेज टेस्टिंग का एक माध्यम नहीं है, बल्कि परीक्षा छात्र को एक काबिल बनाता है। और ये सवाल को मैं अपनी असल ज़िंदगी में डालकर मुझे बहुत फायदा हुआ। अब मुझे परीक्षाओं से डर नहीं लगा, पहले मैं बहुत डरती थी, पर श्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। मेरी परीक्षाओं को लेकर मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने अनुभवों से मुझे बहुत कुछ सिखाया है। परीक्षा पे चर्चा हमको पिछले 2 सालों से देख रही हूँ और मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा मोदी जी का कार्यक्रम लगता है। परीक्षा पे चर्चा के लिए देश भर के 1 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। इसमें से करीब 4,000 सीधे प्रधानमंत्री से कार्यक्रम में रूबरू होंगे। छात्र बताते हैं कि परीक्षा के तनावपूर्ण माहौल को दूर करने की दिशा में प्रधानमंत्री की यह एक सार्थक पहल है। This was indeed a very motivating initiative taken by the honorable president, prime minister of our country, Shri Narendra Modi. And the thing which he has done with the students, it's really appreciating. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम से हम सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। मेरा स्पेशल धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ, जिन्होंने ये हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम अपनी चिंताओं को डिस्कस कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा के चलते हम विद्यार्थियों को हमारी परीक्षा में अनेकों लाभ मिले हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पर परीक्षा के बारे में इतना अच्छा सोचा जाता है, बच्चों के बारे में सोचा जाता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं।
कई विद्यालयों के शिक्षकों और प्राचार्यों ने भी प्रधानमंत्री के इस पहल की सराहना की है। विवेकानंद विद्या मंदिर के प्रभारी प्राचार्य अमिताभ लाहा और जवाहर विद्या मंदिर के प्राचार्य समरजीत जाना ने कहा कि अब छात्र परीक्षा को उत्सव के रूप में लेने लगे हैं और इस कार्यक्रम से छात्रों को परीक्षा की रणनीति बनाने में काफी मदद मिल रही है। बच्चों को और अभिभावकों को भी मोटिवेट करने के लिए कहा गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर सीबीएसई के द्वारा मेल भी आती है और हम लोग सारे बच्चे को ही इसमें इन्वॉल्व करवाते हैं जो भी परीक्षा पर बैठने जा रहे हैं। ये बच्चों उस तरीके से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी का साथ और बाकी पेरेंट्स काउंसिलर टीचर सबसे बात करते हुए बच्चे बहुत डी टेंशन मतलब टेंशन रहित होकर एग्जाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम का 7वां संस्करण है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा और स्कूली जीवन के विषयों पर छात्रों से सीधी बातचीत करते हैं। यह कार्यक्रम विश्व में एक रिकॉर्ड है और छात्रों के बीच यह काफी पसंद किया जाने लगा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बोकारो जिले के दुगुदा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर यहां के लोगों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। मौके पर ग्रामीणों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। कारो के दुग्धा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। मौके पर अपनी कहानी अपनी जुबानी के तहत फातिमा बीबी और रोशनी देवी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि रसोई गैस उपलब्ध होने से उनकी कई समस्याओं का समाधान हो गया है। गैस में खाना वाना बनाता है, अभी अपना बच्चा को स्कूल भेजते हैं और धुआं वहाँ लगते हैं, चूल्हा वाला जलाते थे, बहुत बीमारी उमारी हो जाता था, अब तो खाना अच्छा से बना रहे हैं। गैस मिला है, गैस से खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुविधा हो गया है। मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभुक दिव्या कर्मकार और मालती देवी ने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक उन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब उनके परिवार के सदस्यों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है। राशन कार्ड बना है और उसके द्वारा से हम लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। वो राशन मिलता है, हमारा पति हस्बैंड थोड़ा कमजोर दिमाग के, वही राशन के तरह से हम लोग के बाल बच्चा का पोषण पालन पोषण हो रहा है। कुछ इसी तरह का भाव माला देवी ने भी व्यक्त किया। माला देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास मिला है जिसे वह काफी खुश है। उन्होंने कहा कि पक्का आवास मिलने से उन्हें अब बारिश धूप और ठंड की परेशानी से छुटकारा मिल गया है। छत के नीचे मेरे बाल बच्चा रह रहे हैं, दो तीन बच्चा हमारा छोटा छोटा है और अभी छत के नीचे है। मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास मिला है हमको। एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की यहां पर जानकारी दी गई। मौके पर पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की लोगों से अपील की। शौचालय के रूप में महिलाओं का मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू का किसी ने ध्यान रखा तो किसने रखा, कहा घर घर शौचालय करके दिखाए। मौके पर कार्यक्रम में आए लोगों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी हासिल की। इस दौरान नए लाभुकों ने उसका लाभ उठाने के लिए आवेदन भी दिया। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम इस वर्ष की पहली और अब तक की 109वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। और बाद मौसम की, राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक सवेरे में हल्के दर्जे का कोहरा और दिन में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 30-31 जनवरी को राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में झारखंड और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी लीग मैच का कल आगाज हुआ। झारखंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विदर्भ की पहली पारी को 204 रनों पर समेट दिया। मेजबान टीम के लिए सुशांत मिश्रा ने 4 और शहबाज नदीम तथा विकास विशाल ने 2-2 विकेट लिए। झारखंड की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले दिन ही खेल समाप्ति पर झारखंड का स्कोर 3 विकेट पर 10 रन है।
केंद्र सरकार की पहल से मौजूदा समय में जमीनी स्तर पर काम करने वालों को राष्ट्रीय पलक पर मान मान्यता मिल रही है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर की लेडी टार्जन नाम से प्रसिद्ध 52 वर्षीय समाज सेविका सब पर्यावरण संरक्षिका चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन आंकड़ों पर गौर करें, 30 लाख पौधारोपण, 30,000 महिलाओं को स्वरोजगार। ये आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन इसे हकीकत बनाया है सरायकेला खरसावां जिले की लेडी टार्जन नाम से प्रसिद्ध 52 वर्षीय चामी मुर्मू ने। केंद्र सरकार ने उनके कार्यों को मान्यता देते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है, जिससे पूरे इलाके में खुशी की लहर है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस लायक समझा और इस पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक संदेश भी देना चाहूँगी कि आज अभी से ही बच्चा जो पढ़ रहे हैं, अभी से ही हम उसको समझाएंगे कि वृक्ष का क्या महत्व है, क्या ये है, हम लगाएंगे तो क्या हम ये कर सकते हैं अभी से पढ़ाने से। पहले तो हम खुद ही बहुत ज़्यादा विरोध किए थे, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू करते गए। तब हम कुछ उसका मीटिंग में शामिल हुए, तब देखिए धीरे धीरे कि ये सही में जो मार्गदर्शन दे रही है, ये वास्तव में सही है। महिला को आपका घर से निकालने का काम है और महिलाओं को आत्मस्वावलंबन बनाने का ये है। समाज सेविका सह पर्यावरण संरक्षिका चामी मुर्मू का काफी लंबा संघर्ष रहा है। बागरा ईसाई गांव की रहने वाली चामी मुर्मू ने साल 1990 में सहयोगी महिला नामक एनजीओ का गठन किया। इसके बाद उन्होंने सबर जनजाति समेत आदिम जनजाति की महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया। उन्होंने अब तक 3,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर 30,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। धन्यवाद देना चाहूंगी जो दूरदर्शन है, आज वही लोग ये करके दूरदर्शन चलाते रहते हैं, इस न्यूज को हर देश में ये करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मीडिया है, पत्रकार है, सभी को सहयोग मिला है, उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। चामी मुर्मू सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड भाग 16 की जिला परिषद सदस्य भी है। उनकी संस्था ने अब तक 720 हेक्टेयर भूमि पर 30 लाख पौधे लगाए हैं, जो एक कीर्तिमान है। इस पौधारोपण के लिए उन्हें साल 1996 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मार्च 2020 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चामी मुर्मू आज अपने संघर्षों, कार्यों और उपलब्धियों की वजह से नजीर बन गई है। उनको नारी सम्मान से भी सम्मानित की गई थी और अभी आज जो खुशी का पल मुझे लग रहा है कि नारी सम्मान के बाद पुनः इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है राष्ट्रपति श्री मुर्मू जी के द्वारा। ये बहुत खुशी का बात है। बहुत कठिन दौर को भी हमने देखा है, तो जीवन का एक कठोर निर्णय कि उन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय लिया और आज पेड़ पौधे ही उनके परिवार के समान है, उन्हें कोई अपना संतान मानती है। 52 वर्षीय चामी मुर्मू अविवाहित है तथा उन्होंने अपने जीवन को महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के वास्ते समर्पित कर दिया है, जिसने उन्हें पद्मश्री का हकदार बनाया है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार।